भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यहां पहुंची झेलम एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली। ट्रेन को स्टेशन पर ही रोक दिया गया और जांच की गई। इस घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह पुणे से जम्मू तवी जाने वाली झेलम एक्सप्रेस में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। जीआरपी ने रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन को रोका, जिसके बाद सतर्कता के साथ ट्रेन की चेकिंग की गई। डॉग स्क्वाड की टीम ने भी ट्रेन को खंगाल लिया। अचानक सर्चिंग शुरू होने से लोगों में डर का माहौल बन गया। हालांकि ट्रेन में बम होने की खबर झूठी निकली। ट्रेन में तलाशी लेने के बाद भोपाल के लिए उसे रवाना कर दिया गया। जीआरपी ने ट्रेन में बम होने की बात कहने वाले यात्री को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है, उसने ऐसा क्यों दिखा और बम की सूचना टीसी को क्यों दी। देखिए, आज हमको सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि झेलम एक्सप्रेस जो इटारसी तरफ से आ रही है, इसमें किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु है। इस तरह की सूचना टीसी को किसी व्यक्ति ने दी है। इस आधार पर कंट्रोल रूम ने हमको जब सूचित किया तो हमने भोपाल के जो बीडीडीएस टीम है उसको यहाँ पर बुलाया, स्टेशन पर रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाया और उसमें प्रॉपरली उसको चेक कराया है। बीडीडीएस टीम ने उसको चेक करके जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है तब ट्रेन को हमने सुनिश्चित करने के बाद में कि कोई भी खतरा नहीं है यात्रियों को, ट्रेन को रवाना किया है। जिस व्यक्ति ने हमको ये सूचना दी थी उसको अभी हम थाने लेकर आए हैं, उससे हम बातचीत कर रहे हैं कि उसने इस तरह की सूचना क्यों दी, क्या कारण था, क्या प्रॉपर वे था उसका, उस आधार पर हम उससे बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।